वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। आप अगर आपके हाथ पाँव काले हैं और आपका चेहरे का रंग सफ़ेद है तो लोग कहेंगे कि चेहरे पर तो क्रीमें लगा ली हैं और हाथ पांव काले नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। आप मेरी ये रेमेडी इस्तेमाल करें, इससे आपके हाथ पांव इंशाल्लाह ताला बहुत गोरे हो जाएंगे, आपकी जिल्द सफ़ेद सफ़ेद बहुत अच्छी लगेगी। आए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं ये देखिए, थोड़ा सा लेमन का ये टमाटर का रस ले लेना है। बिल्कुल ही थोड़ा सा लेना है और ये हाफ पिंच, थोड़ी सी हाफ टी स्पून से भी कम है ये हल्दी है, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और एक लेमन का रस आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। आपको पता है ना कि लेमन ये ब्लीच इफेक्ट का काम करता है, तो आपने ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये देखें, ये एक लेमन का एक हिस्सा आपने डालना है। ये देखें, आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले जितना ज़्यादा ये अच्छी तरह मिक्स होंगे इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ताकि ये सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी। और आपने हाफ टी स्पून ये कोलगेट पेस्ट का ले लेना है। ये देखें, ये भी आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उतनी देर तक आपने अभी बस इसको मिक्स करना है, जितनी देर तक ये चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। इस तरह अच्छी तरह आपने इनको मिक्स करना है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये यकजान हो गई हैं सारी चीज़ें आपस में। फिर आपने इसको हाथ की मदद से कर लें या ब्रश की मदद से अपने हाथों पाँव पर इसको अप्लाई करें। 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें। जब 20 मिनट हो जाए तो आपने उसको साफ़ पानी से धो लेना है और कोई कोल्ड क्रीम अपने हाथों पर लगा लेनी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारे व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।